बात देश की हो, प्रदेश की हो, समाज की हो या फिर विकास की हो, अपराध की हो या फिर जुर्म की काली दुनिया की, हम दिखाएंगे हर एक खबर सीआईबी इंडिया न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम और आप देख रहे हैं सीआईबी इंडिया न्यूज। पेश है आज की प्रमुख खबरें। आपको बता दें कि आज के युग में कुछ देश सिर्फ जाति धर्म के नाम पर एक दूसरे को काट और मार रहे हैं, जिससे इंसानियत को शर्मसार होना पड़ रहा है। इसी तरह की घटनाओं को देखकर लगता है कि कुछ देशों में इंसानियत है ही नहीं, क्योंकि एक विशेष समुदाय का होने से उनके पतियों को जलाया जा रहा, उनके बच्चों को मारा जा रहा है, यतीम बनाया जा रहा है। इससे आहत होकर आज जिला अलीगढ़ में आज ऑल इंडिया मुअज्जिलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यूथ के जिला अध्यक्ष नाजिम अली के द्वारा कलेक्ट्रेट पर मजिस्ट्रेट को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में उनके द्वारा मांग की गई कि जिस तरीके से भारत द्वारा सभी देशों में कूटनीतियों की निंदा की जाती है, उसी तरह म्यांमार के हालातों को देखते हुए म्यांमार की निंदा करनी चाहिए। म्यांमार में जिस तरीके से बौद्ध आतंकी बेकसूर मुस्लिम लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं, वो बहुत ही निंदनीय है। जैसा कि हमारा हिंदुस्तान मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सभी धर्मों की एकता से दुनिया भर में जाना जाता है, यहाँ सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। इसलिए दुनिया में कहीं भी किसी भी धर्म के मानने वालों पर जुर्म हो तो हिंदुस्तान से आवाज जरूर उठनी चाहिए। जिस तरीके से बौद्ध आतंकी इंसानियत के नाम पर म्यांमार में कत्लेआम कर रहे हैं, इससे इंसानियत शर्मसार हो चुकी है और उसकी नजरें झुक गई हैं। अफसोस की बात यह भी है कि किसी भी मुल्क को म्यांमार में मुसलमानों पर हो रहे जुल्म नहीं देख रहे हैं, लेकिन अगर भारत द्वारा म्यांमार के मुस्लिमों की आवाज उठाई जाती है तो बेशक वो इंसानियत को जिंदा रखने वाली बात होगी। जिसकी आंखों के सामने उसके भाई को मार दिया गया, एक वो मासूम बच्चा जिसकी आंखों के सामने उसकी बहन की अस्पत टूटी गई, उसे काटा गया, वो बच्चा अपने हाथ में क्या लेगा? मेरा सवाल है उनसे, वो सवाल का जवाब है सिर्फ मुसलमान कहाँ दिखाई दे रहा है। देखिए, ये जो प्रोटेस्ट है ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही है। ये प्रोटेस्ट इसलिए है, ये म्यांमार में जिस तरीके से मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है, बेगुनाहों को मारा जा रहा है, मासूम बच्चों को कदमों से कुचला जा रहा है, इसके लिए यहाँ पे हम सभी समाज के लोग यहाँ जमा हुए हैं। सभी हमारे भाई भाई सभी लोग यहाँ जमा हुए हैं। ये बहुत ज़्यादा हो रही है तो हम यहाँ पे एक मेमोरेंडम देने आए थे राष्ट्रपति जी के लिए, कि संयुक्त राष्ट्र ने अपनी बात रखें, कहें कि ये जो जुर्म हो रहा है ये गलत हो रहा है। जैसा कि हमारा हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है कि इसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई एक साथ रहते हैं, तो जब सब एक साथ रहते हैं तो सबकी बात करना भी इसकी जिम्मेदारी बन जाती है। आज जब ये अन्याय हो रहा है, ये जुर्म हो रहा है, मासूमों को मारा जा रहा है, तो ये हिंदुस्तान अपना पक्ष रखे, हमारा मुल्क अपना पक्ष रखे और उन लोगों के साथ हिमायत में खड़ा हो जाए जिन लोगों पर जुर्म हो रहा है। बस यही हमारा मकसद था।